टाटा केमिकल्स, अगर अभी मैं करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग करना चाहूँ तो क्या सही समय है? हाँ जी, टाटा केमिकल में 1080 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जब तक तो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है लॉन्ग पोजीशन अवॉइड रखें। जी कंचन जी, लास्ट 2-3 दिन से मार्केट या साइडवेज है या रेड में है और अपना बॉस हाई पर हाई बनाया जा रहा है, जी तो स्टॉक आपको ऐसे सर्च करने हैं, मार्केट कैसा भी हो आपके स्टॉक परफॉर्म करते हैं दिखाई देंगे। जी सर, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि मार्केट के जो हाल हैं वो कई फैक्टर्स से बदलते रहते हैं, चाहे वो यूएस की फेड पॉलिसी नई पॉलिसी हो, चाहे वो आरबीआई की हो, चाहे वो कॉल्स जो चल रहे हैं एग्जिट कॉल है उनका हो, या तो रिसेशन का जो जोर है वो हमें मार्केट में देखने को मिले। लेकिन स्टॉक ऐसा पिक करना चाहिए कि इन सबसे बच के भी वो कहीं ना कहीं अच्छा करता हुआ दिखे और आपको कंटिन्यूअसली मुनाफा होता ही रहे, तो ये कंचन जी, खासियत अगर है। जी जी आपको कंचन सर जी अगर जी आपको इंडिया स्टोरी पे प्ले करना है तो आप वो सेक्टर प्ले करो जिसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे हो गया एफएमसीजी सेक्टर, होटल सेक्टर। मार्केट में कुछ भी हो जाए, आप 23-57 मंजन जितना यूज कर रहे हो उतना ही यूज करने वाले, कल से कम नहीं करने वाले, तो उनकी सेल फिक्स है और उनके रिटर्न आते ही दिखाई देंगे। बाकी जी कंजम्पशन आप कम बेसी कर दिखाई कर सकते हो, तो इंडिया एग्जैक्टली स्टोरी प्ले करनी है। अगर जब बाजार हाई पर, आप डिफेंसिव में स्विच हो जाओ, जी बाजार जब करेक्ट हो सर जाए, आपको निफ्टी नीचे आए, तब आप जो एग्रेसिव सेक्टर है, मेटल्स हुए, एफएमसीजी छोड़ के जो बैंक्स हुई, उन तब उनको फोकस करना है। अभी आपको डिफेंसिव में स्विच होना है और जो एग्रेसिव सेक्टर उनमें प्रॉफिट बुक करना है। जी उसने बता दिया है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। डिफेंसिव प्ले भी आप कर सकते हैं एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे डेली यूटिलाइजेशन में काम आती है, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक नेसेसिटीज में आती है और ये हर इंसान जो है वो डेली सुबह उठ के सबसे पहले इसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी कंजप्शन में अगर हम देखें, उनका रेशियो निकाले, तो कमी जो है वो थोड़ी कमी आती है बल्कि बढ़ी जाता है। अगर नई नई चीजें आती है, नई नई चीजों पर नए नए सेगमेंट लॉन्च होते हैं, उनका भी हम लोग यूज करते हैं और सोचते हैं कि उन चीजों को यूज करके शायद से या तो हमारे जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, या तो जो सर्दियों के टाइम पे नया साबुन है उससे हमारे को जो ड्राइनेस है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एफएमसीजी चल रहा है।